ये लोग बाबा साहब के दुश्मन हैं और बाबा साहब से नफरत करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अब वोट तो इन्हीं के लोगों को, बाबा साहब के लोगों के धोखा दे के ही तो वोट लेने हैं। तो स्वागत है आपका जनहित आवाज़ में, और आपके साथ मैं हूँ पूजा, और हमारे साथ हैं महमूद प्राचा जी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं और बहुजन समाज के उत्थान के लिए हमेशा से सामने आते रहे हैं और कार्य करते रहे हैं। तो आज सर यहाँ पर जो ऑडिटोरियम में मीटिंग थी, और जो भी कुछ रहा बॉम्ब सेफ को लेकर और क्या कुछ था यहाँ पे, थोड़ा सा उसका उद्देश्य हमें बताइए। कि जो लोग इंसाफ और बराबरी के लिए जो महापुरुष काम करते रहे हैं, जिसमें SC, अब आज के दौर के जिनको SC ST और OBC और माइनॉरिटीज़ के समाज का कहा जाता है, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध, उन लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी मिली, और उन लोगों की बड़ी बड़ी कुर्बानियों के बाद असली आज़ादी यानी कि इंसाफ और बराबरी, जो भारत के संविधान की आत्मा और रूह है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो बनाया, उसको, उन कुर्बानियों को एक प्रॉपर उसके रिजल्ट लाने के लिए जो सबसे बड़े पहल की या सबसे बड़े रिजल्ट लाने वाला कार्य किया, वो काशीराम जी ने किया, और वो बामसेफ की शक्ल में किया। बामसेफ मेरे ख्याल से जो उसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था वो रीढ़ की हड्डी था, जो इंसाफ और बराबरी की लड़ाई बहुजन समाज की है। तो आज उसका कैडर कैंप था, तो मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, तो मैं तो कहीं भी बाबा साहब का और काशीराम जी का या जो इंसाफ और बराबरी के लिए हमारे महापुरुष काम करते रहे हैं उसका इनविटेशन आता है तो मैं सब काम छोड़ के जाता हूँ। तो उसी कड़ी में मैं यहाँ भी आया था, तो मैंने यहाँ भी अपनी बात रखी और लोगों ने उसको बहुत सराहा। मैंने आज भी यही बोला कि बामसेफ का जो कॉन्सेप्ट है वो इस देश की सत्ता को इंसाफ और बराबरी के लिए काम करने का सबसे बड़ा जरिया है, और वो तभी हो सकता है जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध जो हैं उनकी स्वयं की चुनी हुई सरकार जेन्युइनली उनके माध्यम से ही आए, जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो हो। तो उसके लिए बामसेफ जो है, बामसेफ का कॉन्सेप्ट रीढ़ की हड्डी है, इसलिए मैं आ जाए यहाँ पे। सर अभी आपने बोला कि बराबरी का और इंसानियत का, इंसाफ और बराबरी का जो है, मगर बहुजन समाज में जितने भी बड़े बड़े उच्च पद पे हैं उनके साथ क्या इंसाफ और बराबरी हो रहा है? अभी राजेंद्र पाल गौतम जी का ही इतना बड़ा मुद्दा है जो गरमा रहा है सब जगह पर, उनको 22 प्रतिज्ञा उन्होंने जो, मतलब बाबा साहब की लिखी हुई 22 प्रतिज्ञाएं हैं उन्हीं को ही उन्होंने दोहराया है, लेकिन ऐसा बवाल मच गया है कि उनसे इस्तीफा तक ले लिया जाए। देखिए, उन्हें इस्तीफा मेरे हिसाब से तो देना नहीं चाहिए था, उनके ऊपर दबाव बनाया गया या उन्हें डराया गया या धमकाया गया तब भी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो किसी के रहमो करम पे नहीं, वो SC समाज से आते हैं, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ SC समाज और जो मुस्लिम समाज है, माइनॉरिटी समाज है, उसी के बेसिस पे मेजॉरिटी लाती है। OBC समाज का भी उसमें बड़ा योगदान है, परंतु जो बुनियादी, जो उनके बेसिक मूलभूत जो वोट बैंक्स जो उनके हैं, वो एक शेड्यूल कास्ट समाज का है और एक मुस्लिम समाज का है। तो ये दोनों ही समाज उनके पीछे हैं, इन्हीं का एक, मतलब ऑलमोस्ट 40% वोट जो है राजेंद्र पाल गौतम जी की वजह से आम आदमी पार्टी को मिलते हैं दिल्ली में, तो वो ये पार्टी उनकी है। अरविंद केजरीवाल जी भले ही उसमें कन्वेनर हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जो है वो बहुजन समाज के लोगों की यानी कि SC और मुस्लिम्स के ऊपर बेस्ड है दिल्ली की, तो उनको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। और दूसरा, जो उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिवाया गया है, ये इस बात को सीधे सीधे तौर पे दर्शाता है कि कुछ लोगों को अब मजबूरी में बाबा साहब की तस्वीर जो है वो हजम करनी पड़ रही है और उसके प्रति अपना झूठा प्यार दिखाना पड़ रहा है। लेकिन आज भी बाबा साहब की तस्वीर तो प्यारी है, क्योंकि उससे एक मिथ्या या झूठ फैला सकते हैं कि वो बाबा साहब से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो शब्द हैं, बाबा साहब की जो टीचिंग है, बाबा साहब के जो कर्म है, बाबा साहब के,
वो उन्हें पसंद नहीं है, उनसे वो नफरत करते हैं। तो जो तस्वीर लगाने का काम करेगा उससे तो शायद फिर भी उसे हजम कर ले, लेकिन अगर बाबा साहब के नक्शे कदम पे कोई चलना चाहेगा या उनकी बात पे अमल करना चाहेगा तो उसको ये इसी तरीके से पूरी ताकत से ख़त्म करेंगे, क्रश करेंगे। ये उसी की मिसाल आम आदमी पार्टी ने दी। वैसे तो केजरीवाल जी जो है बाबा साहब की आपने बोला तस्वीर लगाते हैं और उनके बताए हुए संविधान की भी बात करते हैं, और यहाँ तक कि जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, सत्येंद्र जैन हो उनका भी अभी तक चल रहा है, ट्रायल पे हैं वो भी जेल में हैं। लेकिन वहीं जब राजेंद्र पाल गौतम जी जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं लेकिन उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, मतलब यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है क्या जाति से रिलेट? जाति से रिलेटेड भी है, वो तो है ही, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। केजरीवाल साहब तो बड़े ही कई बार ऐलान कर चुके हैं मैं वैश्य समाज से आता हूँ, बनिया हूँ, वो बोलते ही हैं ये बात, तो आप लोगों ने भी सुनी होगी। मगर यहाँ ये है कि जो आम आदमी पार्टी का एक जो इंडिकेशन और एक इशारा इस बात की तरफ है कि भ्रष्टाचार उनकी उनकी जो है आइडियोलॉजी में है, और अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में यानी कि उनके मोटिव्स में है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो पार्टी भ्रष्टाचार के लिए बनी है। लेकिन अगर कोई बाबा साहब के असूलों पे अमल करना चाहेगा तो वो क्योंकि आम आदमी पार्टी के असूलों के खिलाफ है, आम आदमी पार्टी की बुनियादी जो असूल है उसके खिलाफ है, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा। क्या राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए बाबा साहब को इस्तेमाल किया जाता है? नहीं, ये लोग बाबा साहब के दुश्मन हैं और बाबा साहब से नफरत करते हैं। मैंने आपको बताया ना, अब वोट तो इन्हीं के लोगों को, बाबा साहब के लोगों के धोखा दे के ही तो वोट लेने हैं, तो फोटो दिखानी लगानी है, और बाबा साहब के जो काम है, जो बाबा साहब का मैसेज है और जो बाबा साहब ने डायरेक्शंस दिए अपने लोगों को उस पर अमल नहीं करने दे रहे हैं। तो वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, करप्शन उनकी मूलभूत भावना है, तो जो करप्शन करेगा वो उनका अपना आदमी आम आदमी पार्टी का, तो इसलिए दो मिनिस्टर जिनके ऊपर करप्शन और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक तो जेल में भी हैं और दूसरे जेल शायद जाने वाले हैं, और ये आरएसएस की सरकार उस टाइम का इंतजार कर सिंह बताते हैं अपने आप को उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं जब उनको राजनीतिक फायदा ज्यादा से ज्यादा होगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो किया ही है ना, मनीष सिसोदिया जी ने भी और राजेंद्र पाल गौतम जी ने भी और केजरीवाल साहब के नेतृत्व में ही भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार से तो उन्हें परेशानी नहीं है ना, वो तो उनका अपना ही है, भ्रष्टाचारी खुद ही है वो। लेकिन हाँ, बाबा साहब वाले वो नहीं है, बाबा साहब का कोई बात करेगा दिल से, बाबा साहब की कोई बात पे अमल करेगा दिल से तो उसको वो सज़ा देंगे, और वही सज़ा उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी को दी है। अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी मनुवादी है, और मनुवाद का मतलब यही है ना कि भ्रष्टाचार करके दूसरों लोगों का हक अपने पास ले आओ, तो मनुवादी हैं केजरीवाल साहब। सर, जिस तरीके से अभी मतलब राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है लेकिन वो वहाँ के MLA भी हैं, मगर उस पद से उन्होंने वहाँ से इस्तीफा नहीं दिया है, तो मतलब ये कुछ उस दबाव में किया है क्या उन्होंने भी? देखिए, जो मनुवादी होते हैं वो छल कपट साम नाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, शायद ये गौतम साहब को ये इंप्रेशन दे रखा होगा कि हम आपको वापस ले लेंगे या आपको किसी और पद पे बिठा देंगे, वो धोखा कर रहे हैं केजरीवाल जी अब, क्योंकि गौतम साहब ने अपने मन की बात कर दी है, बाबा साहब की बात कर दी है, तो अब वो उनके निशाने पर हैं। पूरी ताकत लगाएगी आम आदमी पार्टी इनको ख़त्म करने के लिए और इनको हर तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए। अब ये गौतम जी के ऊपर है, क्या वो उनसे धोखा खाते हैं या अपने आप को एसर्ट करते हैं, वो आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्तंभ है, और आम आदमी पार्टी उनसे है, वो आम आदमी पार्टी से नहीं है। इस बात को जिस दिन वो समझेंगे तो वो लोग आएंगे, वो सामने आएंगे उसी शेप में, उसी रूप में, और वो अपना एसर्ट करेंगे, और फिर देखिएगा कैसे पूरा जो बहुजन समाज है, जो ख़ास तौर पर शेड्यूल कास्ट समाज उनके साथ खड़ा रहेगा, मुस्लिम समाज भी एकदम उनके साथ आके मैदान में उतरेगा। और अभी कॉरपोरेशन के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर राजेंद्र पाल गौतम जी स्टैंड लेंगे तो कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ही सब नज़र आ जाएगा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी माइनस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और माइनस मुस्लिम कम्युनिटी की क्या उनकी पार्टी की हैसियत और औकात है। अभी सर 2024 का चुनाव के लिए अभी गुजरात दौरा लगातार केजरीवाल भी कर रहे हैं, मोदी साहब भी कर रहे हैं, और दमखम भी बताया जा रहा है, और वहाँ पर झंडा भी फहराया जा रहा है कि मोदी ही आएंगे, और झाड़ू दिखाई जा रही है कि भाई यहाँ पे भी झाड़ू चलेगी जिस तरीके से पंजाब में चली थी, क्योंकि दलित और बहुजन ये क्या वाकई में वोट बैंक है, सिर्फ वोट बैंक के काम आता है या वाकई में उनके लिए ये वाकई में काम भी करते हैं? गुलामों की तरह इस्तेमाल करते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते, बल्कि सत्ता में आके इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लूटमारी की जाए, इनके हक कैसे मारे जाएं, वो करते हैं। केजरीवाल जी ने भी
एक भी, बताइए कितनी नौकरियां दी, बताइए क्या एस सी एस टी सब प्लान दिल्ली में इम्प्लीमेंट कराया, बताइए क्या जो सफाई कर्मचारी जिनके ऊपर जिनकी वजह से आज दिल्ली की जनता जीवित है कोरोना के बाद भी, उनके लिए क्या किया उन्होंने, उनके जो लोग ड्यूटी में मर गए उनको 2 करोड़। स्कूल का मॉडल हमने तैयार किया है, हमारे पास शिक्षा है, हम जितना आप लोग ये सब करेंगे हमारे पास शिक्षा है, हम आगे बढ़ाएंगे, स्कूल बनाएंगे। स्कूल का मतलब बिल्डिंग नहीं होता है, स्कूल का मतलब होता है पढ़ाई कराना। बिल्डिंग तो जो वैश्य समाज के लोग हैं, केजरीवाल जी बताते हैं ना मैं बनिया हूँ, बिल्डिंग बनाना तो, और बिल्डिंग बना के उससे पैसे चुराना और करप्शन करना उसकी आड़ में, तो वो तो वैश्य समाज के लोगों को सूट करता है। और केजरीवाल जी बताते हैं मैं बनिया हूँ, तो वो बनिए का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, मनुवाद का जो बनिए का कॉन्सेप्ट है कि पैसे चुराना किसी भी जगह से, सिर्फ प्रॉफिट कमाना किसी भी तरीके से। तो स्कूल की बिल्डिंग बनाने में तो सिर्फ पैसे चुराए जाते हैं, कोई दूसरा कार्य नहीं होता। हाँ, क्या स्टूडेंट्स के रिजल्ट अच्छे आए हैं, क्या जो 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 सबसे वीक सेक्शन है दिल्ली के, क्या वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, ये जाके आप सर्वे कर लीजिए। लोग सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं दिल्ली में, जहाँ का बजट इतना ज़्यादा है, जहाँ पे हर तरह की सुविधा होनी चाहिए, और केजरीवाल जी कहते हैं मैंने शिक्षा का वो बढ़ाया, तो ये सब झूठे लोग हैं। इनकी किसी भी बात पे यकीन करना अपने आप को धोखा देना है, तो इनकी कोई बात पे भरोसा तो नहीं करना। क्या लगता है 2024 में केजरीवाल जी आ जाएंगे? देखिए जो ये जो भामसेफ के हर एक शब्द का भामसेफ के हर एक शब्द का मतलब है, अगर वो भामसेफ की तरह इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे यहाँ आज एक कैडर कैंप भी था, तो किसी भी मनुवादी का सरकार में आने का सपना लेना भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब बंद ही हो जाएगा, फिर तो बहुजनों की सरकार आएगी ना उसके लिए। लेकिन हमें आपस में जुड़ के, एक बार जुड़ के इकट्ठे होना है, और सभी लोगों को, चाहे हमारे आपस में कितने भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो या एक दूसरे के साथ हमारी दोस्ती ना हो, एक बार हम दोस्ती कर लें तो फिर ये लोग सब ख़त्म हो जाएंगे। 90% पद जो हैं वो हम 90% लोगों के लिए खुल जाएंगे। अभी 90% जो पद हैं हर एक जगह है, हर एक जो रिसोर्स है कंट्री की, वो 10% लोगों से भी कम ने हथियार रखी है। जब वो 10% लोगों के हाथ से निकल के सही आएगी, मैदान में आएगी, तो हम 90% लोगों के पास आएगी, फिर हम सब खुशहाल होंगे। तो इसलिए हम सब लोग किसी भी तरीके से एक होके चुनाव लड़ें, एक होके पॉलिटिकल शक्ति बने अपनी, और कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर बनने का दावेदार हो सकता है या होना चाहिए, उसको प्रोजेक्ट करें सब मिलके, तो मैं समझता हूँ ये मनुवादी खत्म हो जाए। इससे पहले भी थे और अभी भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं। नहीं, वो प्रेसिडेंट की बात कर रही हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, और मैं सरकार की बात कर रहा हूँ जो कि बहुजनों की जेन्युइन सरकार हो, अपने वोट से जीत के आने वाली सरकार हो। तो राष्ट्रपति का तो जो हमारे देश के संविधान में जो पोजीशन है वो आप सब लोग हम जानते ही हैं, और जो थोड़ी बहुत ताकत भी है वो भी मनुवादी राष्ट्रपति के पद पे बैठे व्यक्तियों को नहीं करने देते। और इसकी दो बड़े एग्जाम्पल अभी आप लोगों के सामने ही हैं, लेटेस्ट हैं। एक तो कोविंद साहब थे, इतने बड़े आदमी थे, इतने समझदार आदमी थे, लॉयर सुप्रीम कोर्ट के थे, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं करने दिया। क्या एससी एसटी सब प्लान ही इम्प्लीमेंट कराने दिया इनको? किसी एक देश में, एक भी सरकार में एससी एसटी सब प्लान ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तो कोविंद साहब तो वो भी नहीं कर पाए। तो ये एक कितना बेबस कर देते हैं हमारे उच्चतम पदों पर बैठे लोगों को भी। उसी प्रकार से जो अभी द्रौपदी मुर्मू साहिबा हैं, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी संघर्ष करके ऊपर तक आई हुई महिला, इतनी बहादुर है, लेकिन वो भी क्या, मैं एक ही टेस्ट का पैमाना मानता हूँ, एससी एसटी सब प्लान शायद ट्राइबल्स के लिए इम्प्लीमेंट करा पाई? कभी भी इतने दिन हो गए उन्हें राष्ट्रपति में, नहीं करा पाई ना, तो यही असली टेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी हमारे साथ महमूद प्राचा जी थे और उन्होंने जो कुछ भी बताया, आप समझिए कि किस तरीके से बहुजन समाज जब तक एक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अगर बहुजन समाज से हमारी एक पार्टी नहीं बनेगी, बहुजन समाज का हमारा एक प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो तब तक जिस तरीके से ये जड़ से अगर खोदते जा रहे हैं, जिस तरीके से जातिवाद बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से लगातार ऊंचे पद पे रहने के बावजूद भी उन लोगों को प्रताड़ित करके उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, तो आप समझिए कि जब तक आप संगठित और एकत्रित नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।